के कार्यकाल की अगर कंपैरिजन करें तो जमीन आसमान का अंतर उसमें देखने को नजर आएगा। जिले में 1,58,000 परिवारों को गैस के कनेक्शन अभी तक मुफ्त में मिल चुके हैं। 1 लाख से ऊपर 100 सौभाग्य योजना बिजली के कनेक्शन मुफ्त में मिल चुके हैं। और इसके अतिरिक्त एक नेशनल हाईवे मेरठ से बुलंदशहर, उस पर बड़ी मेरठ से बुलंदशहर बड़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है। बुलंदशहर से डिवाई और बुलंदशहर से स्याना, इसके लिए भी घोषणा हो चुकी है और कार्य प्रस्तावित है, उसका अतिशीघ्र कार्य चल रहा है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय डबल शिफ्ट में बुलंदशहर का, प्रदेश का पहला विद्यालय बुलंदशहर का हुआ था। और 95 गाँव ऐसे थे जिला बुलंदशहर में जो 2014 से पहले जिन गाँवों में बिजली नहीं पहुँची थी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 358 करोड़ रुपये का बजट जिले के विद्युतीकरण को सुधारने के लिए मिला, उसमें उन 95 गाँव में बिजली पहुंची है। और उसके साथ साथ जो 14 नए विद्युत केंद्र खुले हैं जिसपे बिजली सप्लाई का सुचारू रूप से कार्य होगा, हर गांव में बिजली के नए खंभे, बिजली के केबल और मीटर घर घर सरकार के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त पहले जो DM थी यहाँ पे रोशन जैकब, उनके सामने उन्होंने मतलब एक मांग भेजी थी, उसमें क्या अब चल रहा है अभी? रिंग रोड को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे और वो कार्य आगे चल रहा है, उसमें प्रक्रिया में है और बहुत ही जल्दी उस पर निर्णय होकर उसका काम शुरू होगा। रिंग रोड एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है बुलंदशहर के लिए और सरकार ने उस पर एस्टिमेट मांगा है और उसका बजट देके